फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट मिनटों में बनने वाली रेसिपी, रसमलाई मोदक। बहुत आसान सी रेसिपी है ये। आप गणेश चतुर्थी पे इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और पप्पा को भोग लगाइए रसमलाई मोदक का। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कीजिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रसमलाई मोदक बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। फ्रेंड्स, आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि पनीर आपका पानी में रखा हुआ ना हो, ड्राई पनीर हो। अच्छा, उसके साथ हमने लिया है आधा कप मिल्क पाउडर, 1/4 कप हमने लिया है शुगर पिसी हुई, 1 चम्मच हमने घी लिया है देसी, रोज पेटल्स लिए हैं, ड्राई रोज पेटल्स हैं, और साथ में पिस्ते लिए हैं बारीक कटे हुए। और रसमलाई का फ्लेवर देने के लिए आप रसमलाई एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, साथ में नहीं तो हमने केसर के धागे लिए हैं जिसे मैंने 1 चम्मच दूध में भिगो दिए थे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं रसमलाई मोदक। सबसे पहले हम एक बाउल में पनीर डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल सूखा पनीर है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे मिल्क पाउडर, बहुत टेस्टी लगते हैं। जो लोग कम मीठा खाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मिठाई के लिए ये। और इसे हम आपस में मिक्स कर देंगे। अब ये आपस में अच्छी तरह मिक्स हो गया है। हमने गैस पे पैन रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी, इसे हम मेल्ट होने देंगे। अब हम ये पनीर वाला मिश्रण है ये इसमें डाल देंगे। और बिल्कुल गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक ये मोदक बनाने लायक नहीं हो जाता है। इसमें हम डाल देंगे केसर मिल्क, आप चाहो तो इसमें इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको इसको लगातार चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को आपको स्लो ही रखना है। 7 मिनट लगते हैं इसे। देखिए, पहले से ये पनीर वाला मिश्रण पहले से काफी गाढ़ा हो गया है। 1 से 2 मिनट और इसे लगेंगे। देखिए, हमारा ये मिश्रण बिल्कुल मोदक का तैयार हो गया है। देखिए, हम इसको जिधर करें उस तरफ ही जा रहे हैं और बिल्कुल कढ़ाई में कहीं भी नहीं चिपक रहे हैं। अब हम इस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में खाली कर लेंगे। हम इसे ठंडा कर लेंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसको फ्रिज में रख दो, नहीं तो ये 5 से 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा पनीर का मिश्रण बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पिस्ते, क्योंकि हम रसमलाई मोदक बना रहे हैं। साथ में हम डालेंगे रोज पेटल्स, ये मैंने घर में ही ड्राई करी है रोज के पेटल्स, और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इस तरह से एक मोल्ड ले लेंगे और उसमें मैंने घी लगा दिया है। यहां पर हम कुछ पिस्ते रख देंगे और एक ऐसे ड्राई रोज पेटल, और ये मिश्रण को हम इसमें भर देंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा निकाल देंगे साइड से और ये अंदर से भी हम इसको यहां से फिल कर देंगे। फिर हमें इसे अच्छी तरह दबाकर करना है।
अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा बना है ये। देखिए फ्रेंड, बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा रसमलाई मोदक। इसी तरह से हम बाकी के भी रसमलाई मोदक बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर हम इसके अंदर पिस्ते लगाएंगे इस तरह से, और एक रोज पैटर्न ले लेंगे, और आप ऐसे करके भी इसे ले सकते हैं। एक्स्ट्रा हम निकाल देंगे साइड से। देखिए देखिए, ये भी हमारा बहुत सुंदर बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, हमारे सारे रसमलाई मोदक बनके बिल्कुल तैयार हैं, और देखिए बहुत अच्छे बने हैं, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप जरूर इस रसमलाई मोदक की रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।